इंडेक्स पर नजर डालते हैं। कई सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। एसबीआई की बात करते हैं, करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर है, और पंजाब नेशनल बैंक में भी करीब 0.5% की तेजी दिखी है। पिछले कुछ दिन गिरावट थी, लेकिन आज इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी दिखी है। नीलेश, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, क्या राय बनेगी? हाँ देखिए चाचा, सबसे पहले तो व्यू काफी क्लियर है कि अगर आपको पीएसयू बैंक्स में कुछ खरीदना है तो वो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। बट कब खरीदना है उसके लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, क्योंकि आज हमें पहला रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के चल रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर इन लेवलों पर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है नेक्स्ट 6 to 8 months के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से 850 और 880 तक के लेवल हमें यहाँ पे फिर से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें और बिल्कुल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, एक स्टेगर्ड वे में खरीदारी करें। यहाँ से अगर और डिप मिलती है तो इसे एवरेज करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगाएं 770 का, और ये पुल बैक 820 825 तक का शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक्सटेंड हो सकता है, बट हमारे पोजिशन टारगेट यहाँ पे 900 रुपए के ऊपर के हमें देखने को मिल सकते हैं।